तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो गाइस फाइनली हमारा जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो है वो ऑफिशियली प्ले स्टोर पर आ गया है। तो आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो डाउनलोड कर लो यार, कतई भर भर के मजा आने वाला है। हमारी इंडिया की पब्लिक जो है 80% पब्लिक एंड्रॉयड भी खेलते हैं और 20% पब्लिक जो है वो iOS पे खेलती है। अब एंड्रॉयड वाले की तो मजे है लेकिन iOS वाले के कतई टेंशन है। क्या ही कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं जल्द से जल्द iOS पे आ जाए क्योंकि यार मैं भी iOS वाला ही प्लेयर हूँ। यहाँ पे एक बंदा था तो इसको मैं नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। अब सामने थी इसकी कोड तो देखो उनको भी देखते हैं। अब सामने मेरे को कोई बंदा दिखता है तो मैं उस पर ADS लेने की सोचता हूँ लेकिन यार वो बंदा कवर में जा चुका था। तो अब इधर भी एक दिखता है मेरे को। अब जैसे उस पर मैं स्कोप खोलता हूँ भैया वो रिवाइव देने में बिजी हो जाते हैं क्योंकि यार उधर कोई नोक था। यहाँ पे मैं उन पर रश करना चाहता था पर मेरे पास कोई ऑटो गन नहीं थी तो मैं इधर आता हूँ, मेरे को यहाँ पे AKM पड़े मिल जाते। तो AKM उठाते और उन बंदों को देखते हैं। और देखो अब यहाँ आते ही मेरे को बंदा दिखता है लेकिन यार वो बंदे समझ गए थे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं उन बंदों पर रश करने ही वाला था लेकिन देखो अब यहाँ पे एक को डैमेज देता हूँ मैं लेकिन ये बंदे तो मेरे पे रश कर देते। अब मेरे यहाँ पे AKM रिलोड पे आ गई थी इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ से रिलोड करके फटाक से जाएंगे क्योंकि इनका एक लास्ट वाला बंदा बचा है। अब इसी के साथ इस स्कोर को भी ख़त्म कर देते हैं। तो आज मैं सोलो वर्सेस स्कोर खेल रहा हूँ गाइस काफ़ी दिनों बाद। अब देखो मैं जब भी इसको सोलो वर्सेस स्कोर खेलता हूँ तो मेरी ज़्यादातर फट ही जाती है। क्या ही कर सकते हैं। अब मैं रिलोड विलोड करके इधर के साइड आता हूँ तो यहाँ पे एक बोट था। अब मानो ये बोट नहीं बंदा हो। ये बोट ही था लेकिन यार ऐसा नंगा पुंगा आ रहा था तो मेरे को बंदा ही लगा था और काफ़ी तेज भागते हुए आ रहा था। अब यहाँ पे कोई बंदा आके सामने TPP लेने लगता है। अब ये एक बंदा किसी को मार देता था मतलब मार देता है तो इस पर रश करते हैं। देखो बंदा कहाँ पे TPP ले रहा था। अब इस बंदे को भी कर देते हैं ख़त्म। अब ये बंदा शायद अकेला था मतलब इसकी स्कोर थी लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई होगी। यहाँ पे कोई बंदे फायरिंग करते हैं तो मैं इधर के साइड आता हूँ। अब यहाँ पे थी शायद इनकी स्कोर। अब शायद मैंने उस बंदे को निपटाया था उसी की स्कोर होगी शायद ऐसा लग रहा मेरे को। यहाँ मैं आता हूँ और मेरे को सामने बंदे दिख जाते हैं तो मैं उन पर ग्रेनेड डालने के सोचता हूँ लेकिन इधर से एंगल नहीं मिलता तो मैं इधर के साइड आता हूँ और सामने बंदा दिखता है। तो देखो ग्रेनेड कुक करके डालते हैं। अब देखो मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी ग्रेनेड डाल दिया था इसलिए वो बंदा मतलब उसको डैमेज भी नहीं होता। क्या ही कर सकते हैं तो मैं उन पर डायरेक्ट रश कर दूंगा। अब मेरे को लगा शायद उनकी पूरी स्क्वाड होगी और देखो मैं सीधा रश कर दूंगा उन पर। अब एक बंदे को एक गोली का डैमेज तो देता हूँ लेकिन यार ये बंदे कतई कोने कोने में बैठे थे तो मैं सोचता हूँ क्यों ना ऊपर ग्रेनेड डाल दे। अब इस ग्रेनेड से तो कुछ होता नहीं तो मैं फिर से ग्रेनेड डालने की सोचता हूँ क्योंकि यार दोनों बंदे इधर ही थे और एक बंदा मेरे को इधर दिखा था। अब मानो ना मानो इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज तो हुआ ही होगा ग्रेनेड से क्योंकि यार बंदा भाग के जा चुका था। तो इन पे रश करते हैं। अब एक बंदे को तो नॉक कर देते हैं पर इसका टीममेट कहते ही घंचा के डैमेज देता है। क्या ही कर सकते हैं यार, यहाँ आके फटक से हीलिंग लगाते हैं इससे पहले कि वो बंदे मेरे पे रश कर दे। अब यहाँ पे मेरी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी तो फिर से रश करते हैं और देखो बंदा कहते ही पैनिक हो जाता है। अब ये बंदा भी एक ही गोली में निपट जाता है क्योंकि यार इसको ग्रेनेड का डैमेज हुआ और इसको रिवाइव का भी टेंशन था तो ये बंदा कहते ही पैनिक में ही रह जाता है और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं हीलिंग लगा ही रहता और सामने मेरे को छत के ऊपर एक बंदा दिखता है और वो बंदा मेरे को ही काफ़ी देर से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब इस बंदे को मैंने एक गोली हिट करी थी लेकिन यार बंदा कतई कवर में जा चुका था तो मैं समझ गया ये बंदा ऐसे नहीं मानेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और सामने ही बंदा TPP ले रहा था। तो देखो अब मेरे को लगा यार ये बोट होगा लेकिन ये बंदा था। खैर अब ये बंदा इसका एक और टीममेट था तो देखो वो छत पे छलांग मारने वाला आता है। अब मेरे को लगा यहाँ से बंदा आएगा लेकिन
अब इस बंदे को तो क्या ही मारा है, ये बंदा कतई कंफ्यूज हो गया होगा। अब एक को ख़त्म कर देते हैं और दूसरे को भी ख़त्म कर देंगे हीलिंग वीलिंग करके। अब इन दोनों बंदों को मैं कर देता हूँ ख़त्म। अब इनका टीममेट कहाँ चला गया था आई डोंट नो, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, पोचिंग की में इतने ही बंदे आते हैं। अब मैं यहाँ पे लूट वूट करके इधर के साइड आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा उस लेबोरेटरी में से फायरिंग करता है। अब देखो यहाँ पे दो तीन स्क्वाड थी, शायद दो स्क्वाड थी, आपस में लड़ रही थी, तो मैं इधर के साइड आता हूँ, मेरे को सामने बंदे दिख जाते हैं। अब एक बंदे को नॉक किया, अब एक और दिखता है। अब इस बग्गे वाले को मारना चाहता था पर कोई बंदा पीछे से मारता है, तो देखो उसको भी देखते हैं। अब इस बंदे को भी नॉक कर देते हैं, लेकिन बंदा काफ़ी डैमेज देता है, क्योंकि यार उसके पास यूजी थी, तो आपको पता है यूजी मतलब छोटी ग्रोथ है। वेल क्या ही कर सकते हैं, यहाँ आके हीलिंग करते हैं। अब यहाँ पर जोन भी आ चुका था, लेकिन पीछे की साइड से किसी बंदे के फुटप्रिंट आते हैं। अब इस पर मैं गोलियाँ चलाता हूँ, पर यार बंदा काफ़ी तेज था। और देखो अब गाइस देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैनिक भी हो जाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा हड़बड़ा भी जाता हूँ, इसलिए यार इन बंदे पे मैं कतई गोलियाँ बरसा के रख देता हूँ। अब इस बंदे पे मैं जब भी गोलियाँ बरसाने जाता हूँ, ये बंदा कतई कवर में भाग जाता है और सामने दरवाजे के पास ही टीपी भी ले रहा था। अब मैं फ्री फायर देता हूँ और बंदा किधर से आता। अब इस बंदे को मैंने डैमेज तो दिया था और जोन का भी डैमेज था इस पर, तो मेरे को मालूम था ये बंदा कुछ ना कुछ गलती करेगा, और देखो बंदा क्या गलती करता है। अब ये बंदा यहाँ पे हीलिंग करने लगता है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी डैमेज दे दिया था। अब इस बंदे को भी काफ़ी लो कर देते हैं। अब इसकी स्कोर जो थी इसको छोड़ के भाग जाती है। अब यहाँ पे दो तीन स्कोर थी, लेकिन मेरे को लगा शायद बंदे यहाँ पे कैंप व्याम करे होंगे, इसलिए मैं सीधा जोन में भाग लेता हूँ, और बंदे भी जोन में चले गए थे। वेल क्या ही कर सकते हैं। अब देखो मानो ना मानो यार जोन काफ़ी डैमेज दे रहा था। अब मेरे को लगा मेरा गेम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए मैं काफ़ी तेज़ भागते हुए आता हूँ, और अच्छा हुआ यहाँ पर जोन रुक जाता है, वरना मेरा गेम प्ले यहीं गेम प्ले बनकर रह जाता। वेल मैं लूट वूट करके और कुछ एमओ उठा के इधर के साइड आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी बंदे के पास थी स्टोरी में AWM थी। अब मैं जब तक इस स्टोरी के पास पहुँचता तब तक बंदा यहाँ से कल्टी मार चुका था, तो मैं उस बंदे को देख रहा था और सामने एक और बंदा दिखता है। अब इस बंदे को तो नॉक कर देते हैं, अब उस पर सीधा रश करते हैं, और देखो यहाँ पे मेरा कतई स्कैम हो जाएगा। अब मेरे को सामने एक पत्थर के पास बंदा दिखता है, तो मैं उस पर स्कोप खोल देता हूँ, क्योंकि यार मैं ओपन में था। वैसे यहाँ पे मैं जैसे तैसे कवर में आ जाता हूँ और यहाँ पे देखूँ। अब मैंने जिस बंदे को नॉक किया था उसका किल कोई और चोरी कर लेता है, तो देखो उस चोरी करने वाले को भी सजा देते हैं। अब ये बंदा था जो ये मेरा किल चोरी कर लेता है, तो वेल क्या ही कर सकते हैं। अब सामने एक बंदा पत्थर पे था, तो मैं इधर के साइड आता हूँ, मैं उस पर ग्रेनेड डालने की सोचता हूँ, और देखो यार उस पर भी ग्रेनेड डालते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्रेनेड तो डालता हूँ, लेकिन यार बंदा वहाँ से भाग चुका था, सामने किसी और सामने इस स्क्वाड की फाइट हो चुकी थी। अब सामने हो चुका था स्मोक, मेरे को लगा शायद इधर कोई होगा, मतलब इधर कोई नॉक वीक होगा, तो मैं सीधा मोली डालता हूँ, क्योंकि यार मोली कतई फैल जाती है, लेकिन बंदे तब तक ही रिवाइव हो चुके थे। और देखो अब इन बंदों पर मैं फायरिंग तो करता हूँ। अब देखो एक बंदे को थोड़ा सा डैमेज तो दिया था, लेकिन पीछे के साइड से कोई बंदा मारता है VSS। अब VSS का साउंड भी नहीं आता, तो मैं समझ गया साउंड से कि गोलियां इधर की डायरेक्शन से आई है, तो मैं वेल इधर भागते भागते आता हूँ, और आगे वालों को मारना होगा तो पीछे वालों को तो साफ करना ही होगा। अब पीछे वाला बंदा कतई ओपन में मेरे को मिल जाता है, मतलब ओपन में पकड़ लेता हूँ मैं इसको। अब मैं उसके बंदे को देख रहा था, क्योंकि यार ये ओपन में था। अब मैं इसको थोड़ा सा लो कर देता हूँ, क्योंकि यार इसका टीममेट के पास प्रेशर होगा। अब ये बंदा पेड़ के पास जाने लगता है, तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि यार पेड़ के पास चला गया तो ये रिवाइव विवा हो जाएगा। अब उसी का टीममेट उधर ही था, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना उस पर रश कर दिया जाए। अब देखो सामने एक स्कोर थी और इधर के साइड एक स्कोर थी, तो किसी एक स्कोर को तो मेरे को फिनिश करना ही था, इसलिए मैं जैसे ही आगे जाने लगता हूँ, और मेरे को जोन में भी जाना था, तो देखो मेरे साथ क्या स्कैम होने वाला था।
अब अच्छा हुआ मेरा एम उधर ही था, इसलिए इस बंदे को फटाक से नॉक करता हूँ, क्योंकि यार बंदा कतई 100 RP वाला ड्रेस पहन के आया था। वेल ये बोट को भी मार के पहना होगा, क्या ही बता सकते हैं। वेल मैं इधर की साइड आता हूँ क्योंकि इसका टीममेट यहीं आसपास मंडरा रहा था, मेरे को मालूम ही था कि इधर कोई ना कोई होगा, और मेरे को यहाँ पे किसी बंदे के फुटप्रिंट आते और बंदा साफ बन चुका था। तो देखो अब ये बंदा भी कतई सांप बन के यहाँ पड़ा था। अब किसी सांप के सामने यार तुम जिगल करो ना तो शायद उसको गोलियां कनेक्ट नहीं होती प्रोन से। अब सामने एक और दिखता है, अब इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ। अब ये भी मेरा किल आई थिंक रिवाइव हो जाएगा ऐसा लग रहा मेरे को। वेल क्या ही कर सकते हैं, इसको भी नॉक कर देते हैं। अब सामने थी एक स्क्वाड, अब मैंने पहले वाला बंदा नॉक करा था यार, वो जोन से ही नॉक हो जाता है और जोन में ही मर जाता है। वेल क्या कर सकते हैं, मेरे को मेरा किल भी नहीं मिलता और यहाँ पे एक स्क्वाड पूरी जोन में ही निपट जाती। अब देखो एक बचा है लास्ट वाला बंदा, अब लास्ट वाले बंदे को मेरे को लगा यार ये सांप बाप बना होगा तो मेरे को कतई डस वस लेगा, इसलिए मैं यहाँ के फटक से पेन किलर खा लेता हूँ, क्योंकि यार अपनी हेल्थ उतनी फुल रहेगी उतना ही अपने लिए एडवांटेज है। अब यहाँ पे मेरे को लगा शायद ये बंदा मेरे को स्पोर्ट वोट कर लेगा कपड़ों में, इसलिए मैं यहाँ पे अपने कपड़े भी उतार देता हूँ। अब मेरे को पत्थर के पास लगा कि इधर उधर होगा बंदा, तो मैं यहाँ पे एक ग्रेनेड डाल देता हूँ। वेल वहाँ पे भी बंदा नहीं होता तो मैं बंदे को कन्फ्यूज करने के लिए स्मोक डाल देता हूँ सामने ही, और देखो बंदा कतई कन्फ्यूज हो जाएगा। अब मेरे को लगा सामने ही बंदा होगा लेकिन बंदा किधर से आता है अब देखो। वेल गाइज ये बंदा तो कतई कंफ्यूज से भरा, क्या ही कर सकते हैं, ये जोन में मतलब स्मोक पे गोलियां चलाने लगा था। वेल वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।